नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर बिहार के दरभंगा जिला के हथौड़ी चौक से आ रही है। बता दें कि धोबोपुर बंसारा गांव है और चकवा भरवारी पंचायत है, जहां पर आग लगी हो गई है और भीषण आग लगी में लगभग 10 घर जो है जलकर खाक हो गया है। दरभंगा में आग लगने से घर तो जले ही, घर बसने से पहले एक पिता के बेटी के घर बसाने के सपनों में भी आग लग गया। दरभंगा के बहेरी प्रखंड के धोबोपुर बंसारा में अचानक से जब सब खाना पीना खाकर आराम कर रहे थे कि अचानक दोपहर में आग लग गई। आग की चपेट इतनी ज़्यादा थी लपटेंग कि देखते देखते 10 घरों को अपने चपेट में ले लिया। वैसे तो ग्रामीणों ने हौसला दिखाते हुए पूरे गांव आग पर काबू पाने में लग गए, मशक्कत करते दिखे। कोई पानी के बाल्टी लेकर तो कोई पास पंप चालू कर आग पर काबू करते दिखे। बता दें कि यहां आग ने इतना उग्र रूप ले लिया था कि 10 घर को जब तक चलाकर खाक नहीं कर दिया, शांत नहीं हुआ। अच्छी बात ये कि रही कि कोई भी व्यक्ति के जान नहीं गए, जान माल का नुकसान गाय के होने की खबर आ रही है। वहीं अपने बेटी के शादी के लिए एक रुपये जोर कर रखे शादी के लिए लाखों रुपये जलकर खाक हो गए हैं। प्रमोद यादव की माने तो 6.5 लाख रुपये की फर्नीचर बेटी के शादी के लिए जुटाए थे, सब जल गया है। बेटी के चेहरे पर भी मायूसी साफ देखा जा सकता है, माँ कुछ बोलने तक के लायक नहीं है। वहीं प्रखंड के वीडियो पर सरकार के द्वारा दिए मदद का भरोसा दिया गया है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया, लेकिन आशंका जताया गया है कि आग खाना बनाने के दौरान हो सकता है। वहीं अग्निशमन कर्मी ने भी आग पर काबू पाने के बाद नुकसान के बारे में बताया, साथ ही जानवर के मरने की पुष्टि किया है। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं आपको महेंद्र यादव, पीड़ित परिवार उनके साथ और उनके भाई है, उन्होंने भी क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। महेश कुमार अग्निशमन कर्मी है, उन्होंने क्या कहा है वो सुनाते हैं। गंगा सागर सिंह वीडियो बहेरी प्रखंड के हैं, उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। इस अवसर पर जो खासकर दक्षिणी हथौड़ी के जो मुखिया हैं यहाँ पर नवीन सिंह वो मौजूद रहे, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि प्रखंड के सीईओ के जो प्रतिनिधि थे वो भी यहाँ पर आए थे। सभी जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे, पंचायत समिति मौजूद रहे, वार्ड सदस्य मौजूद रहे और सभी लोगों ने मिलजुल कर इस भीषण आग पर लगभग 3 घंटे तक आगजनी को बुताने में लगे हुए थे और उसे कैसे भी शांत करने में लगे हुए थे, लेकिन जब तक ये आग बुझ पाता लाखों रुपए का नुकसान इस परिवार को हो गया है। अब परिवार का हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गया है। इंटरव्यू सुनाते हैं आपको भी। भारत उदय समाचार की ओर से एक आग्रह है कि जिस तरह से हवा बहता है या फिर गर्मी के समय में अपने आप को खुद को संभालें और खाना बनाने का एक सीमित समय कर दें, क्योंकि हवा से पहले ही जहां फूस का घर है वहां ध्यान दिया जाए कि सुबह ही खाना बनाकर अपने आप को सचेत करें, और ऐसे अगर आगजनी की शुरुआत होती है तो जल्द से जल्द गांव वालों की मदद से उसे बुता दिया जाए। पंचायत के धोबोपुर गांव में आए हुए थे। यहां पर अभी ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि लगभग 10 परिवारों का ये अग्निकांड में अभी क्षति हुआ है। अभी यहां पर अंचल के कर्मचारी लगे हुए हैं जांच करके और जो भी मुआवजा है सब तुरंत मुहैया कराया गया। जान माल के नुकसान की कोई खबर सर? जान माल के नुकसान की भी खबर है और हमने स्पॉट पर भी देखा है, मानव सिखाई का नुकसान हुआ है उसकी तुरंत में क्या लाभ दे रहे हैं आप प्रखंड से? जो तत्क्षण होता है, जो राशन होता है, राशन का और बर्तन उत्तर का जो मिलता है वो तो तुरंत ही दे देंगे। आग लगने का कुछ पता है सर अभी चला? हाँ, जैसे अभी कारण नहीं पता चला, लेकिन अभी तो समय ऐसा समय है कि किसी भी कारण से लग सकता है। परिवार के कोई सदस्य हो सकता है कि खाना उना बना रहे हों उस दरमियान भी लग सकता है।
ये सब धीरे धीरे पता चलेगा आप बच्चे के द्वारा क्या किया। आप अपने प्रखंड वासियों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि ये जो समय होता है खासकर आग लगने का ज्यादा, तो पूर्व से भी हम लोग बैठक करके भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित करते हैं, है ना, कि इसमें जब भी हो इस मौसम में खाना सवेरे बना लिया जाए और देर रात में न बनाया सवेरे बना लिया जाए। और उस समय खाना बनाते समय कम से कम जहाँ पर खाना बना रहे वहाँ भरी बाल्टी में पानी रखा जाए, बालू एक दो बोरा में रखे जाए, और इससे कि अन्य सारी सुविधाएं जो कोई जो मद्यपान सेवन करते हैं बीड़ी सिगरेटी सब उसको कहीं जाते तत्र नहीं फेंका जाए, ऐसी चीज़ का हम लोगों ने बार बार प्रयास करते हैं कि रोका जाए और लोगों को जागृत भी करते हैं सभी लोगों के माध्यम से। फिर भी देहात का मौसम है, कुछ हो ही जाती है घटना। आपका नाम सर? मेरा नाम गंगा सागर सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना अध्यक्ष मेरे साथ हैं और प्रखंड प्रमुख जी के प्रतिनिधि भी रहणी भी हमारे साथ हैं, सब लोग साथ आए हैं और जितने भी ग्राम पंचायत के बगल के ग्राम पंचायत के मुखिया हथौड़ी दफनी के भी मुखिया है, हथौड़ी उत्ती के भी है, बरवाड़ी के भी मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, अंचल के भी कर्मी आ गए। धन्यवाद सर। और हमारे बगल के पंचायत पंचायत में धोख उपड़ता है, 10 परिवार करीब गाय का भी क्षति हुई है और हम चाहेंगे कि इनको जल्द से जल्द जो मुआवजा हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हुए हैं उनको भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनके लिए। आप कहाँ के मुखिया थे? हम हथौड़ी दक्षिण। नाम आपका पूरा? कहाँ से आए थे, कैसे आपके पाँव? हम लोग फायर दरभंगा से आए हैं, हम लोग मेन मुख्यालय साहब, हमारी दो गाड़ी थाना से आई है, एक यहाँ लहरिया सराय थाना से और एक हायाघाट थाना से, जी दो गाड़ी हम लोग से पहले आ चुकी थी, आधा घंटा पहले काम की है। उसके बाद हम लोग जब आए तो देखे कि स्थिति थोड़ा और आग का था तो हम लोग पानी डाले हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से आग नहीं बुझाई है, इसलिए कि जहाँ तहाँ अभी धुआं देखने को मिल रहा है, हम पीछे कट्टू था उस पर आग पानी मारे, उसके बाद ये आग घर वाला भी पकड़े था उस पर आग मारे पानी मारे, और अभी जो है से पेड़ उड़ में आम का पेड़ में कहीं कहीं आग दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी स्थिति जो है नियंत्रण में है लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं। जब आप लोग आए थे तब क्या स्थिति थी यहाँ पर? स्थिति थी नियंत्रण में थी पर आग था, भयानक था या मतलब थोड़ा सा? नहीं, हम लोग आए तो साधारण था, इसलिए कि दो गाड़ी हम पहले काम कर चुके थे, एक हायाघाट थाना से और एक यहाँ से लहरिया सराय थाना। ये जो आग था वो किस कारण से ज्यादा बढ़ रहा था, वहाँ पर क्या था जो? देखिए हवा बहुत तेज था, हवा पछा हवा जो था बहुत तेज था और लगने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश कुमार हुआ। आप कौन है इसमें? ये हम फायरमैन है, ऐसे सिपाही पता है। कौन से जगह पर आग लगा था? धोवपुर बंसारा में आग लगी है, हथौड़ी बाजार के निकट। नाम क्या बताया अपना? अपना नाम, मेरा नाम महेश कुमार हुआ। हेलो, हाँ किसी आदमी को नुकसान हुआ? आदमी की बात कर रहे हैं? आदमी नहीं, अरे कल नहीं हुआ भैया, लगभग 3 से 4 है भैया, इसमें से एक बॉडी देख रहे हैं गाय का, अंदर में घुसे के अंदर एक बॉडी हम देख रहे हैं, अंदर भी 2-3 है गाय, हाँ 4 गाय। हाँ हाँ, जिसमें अभी दबे हुए होने की आशंका है, 3 दीजिए ना, जिसमें से और दबे होने की आशंका है। कि जो आग लगा है वो आपका एक घर जला है या कितना घर जला आपका? हमारा दो घर जला, दो घर यहाँ से वहाँ तक, एक घर मवेशी वाला था। अच्छा, तो उसमें मवेशी आपका था या किसका था? नहीं, तो मवेशी तो मेरा था, उसको हम खोल दिए। अच्छा। आज जो घर लगी है, क्या मवेशी में क्या था, गाय या भैंस? गाय। गाय, अच्छा कितना गाय था आपके पास? गाय हमारे पास 3। 3 था, बचा है या बचा हुआ है? 3। तो तीनों कितना मतलब दुधारू गाय सब था? हाँ, दुधारू गाय है। अच्छा, तो मतलब आपके घर में क्या क्या रखा हुआ था जो जल गया है? हमारे घर में रखा हुआ था, इस घर में अनाज था, गेहूं, आलू था, हाँ। एक ट्रंक था। तो अनाज और कितना होगा, गेहूं कितना होगा? अनाज जो है, अनाज हमको 10 क्विंटल था उसमें। अच्छा, आलू कितना क्विंटल था? 15 क्विंटल आलू था। आलू था, तो मतलब आलू अनाज जो है सो आपका खराब हो गया। हाँ, जल गया। और इसमें क्या था, पलंग वलंग भी था? हाँ, उसमें जो है फर्नीचर है, जिसका भी फोटो करवा देंगे। जी जी, ट्रंक में जी जी, उस सारा चीज उसमें था, उसमें कुछ नगद था, शादी करने वाले थे जी,
किसका शादी करने वाले थे? हाँ, अपने बच्चे का। बच्चे का या बचिया का? बचिया का। अच्छा, कब है शादी बचिया का? अभी दिन नहीं पड़ा है। अच्छा, दिन नहीं पड़ा है, पैसा जमा करके अपना कर रहे थे ना। आपका कितने का लाख का नुकसान हुआ है? हमारा जो है यानी कैश तो 6.5 लाख गया, अब बाद बाकी जो सामान था वो लगभग जो है 1.5 लाख का सामान चला गया। अच्छा, मतलब 8 लाख, मतलब 6 लाख का कैश रखे हुए थे जी। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र यादव। हाँ, बाल्टी में पानी लेकर आए? पानी लेकर आए सब लोग भुताने के लिए, बहुत आदमी सब बाले बच्चे सब मिल के आए हैं, पानी धर के पहुँचाए हैं। पूरे मेरा समाज सब आया था वहाँ के, सब पानी यहाँ से आया है, कोई मट्टी लेके, कोई पानी लेके, कोई कुछ लेके सब भुताया है। आपको क्या कर रहे थे आप लोग जब पता चला? हम लोग सो रहे थे, नहा सुना के खाना उना खा के सो रहे थे, देखे आग लग गया है तो सब लोग बाले बच्चे दौड़े। कितने बजे का घटना है ये पता चुछ? 11 बजे। ठीक है, आगे बोलिए। आप लोग फिर आप लोगों को पता चला तो आप लोग क्या किए? दौड़ल आए हैं पानी लेकर, बाल्टी सब बाले बच्चे लेके आए हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर वो और कोई गाड़ी आया था बताने के लिए? नहीं, आप लोगों को डर भी लग रहा था तब? आग लगने से किसको नहीं डर होता है, देह थरथराता है। आप क्या कर रहे थे? हम खेत में थे। क्या कर रहे थे खेत में? खेत में भूसा लाने के लिए। भूसा लाने के लिए गए थे, तो आपको कैसे पता चला कि आपके घर में आग लग गया? हम भूसा लेकर के आ रहे थे तो हल्ला हुआ कि घर जल गया, तो हम दौड़ के आए तो देखे। घर से कितना दूरी पर थे? मतलब ये 3-4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर पर थे। फिर कैसे आए भाग भाग कर? आ रहे थे उधर से, भूसा लोड करके आ रहे थे ट्रैक्टर से, तो उधर से आ रहे थे तो रास्ता में पता चला तो हम गाड़ी पर से, ट्रैक्टर तो धीरे धीरे था, हम दौड़ ले चले। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो क्या स्थिति देखे आप? देखिए पूरा आग धनक रहा है यहाँ। अच्छा, आग धनक रहा है। हाँ, तो बाल्टी नुटी लेकर के जो सुविधा मिला आदमी को सब दौड़ा, सब अपना मुझा रहा था। जी जी, अभी मुझा रहे थे, नहीं समरा जल गया पूरा। अच्छा, आपका कितना घर जला है? एक ही घर जला है। एक घर? क्या चीज का घर था? नीचे से अथी था, दीवार था और ऊपर अथी चदरा दी। चदरा दी। कितना बच्चा है आपको? 3 बच्चा है। 3 बच्चा है। खेती बाड़ी करके ही परिवार चलाता है? हाँ, खेती बाड़ी कनी को दुकान करते हैं। अच्छा, तो कितना बड़ा बड़ा बच्चा है आपका? हमारा 8 साल। 8 साल। हाँ। सब स्कूल जाता है? हाँ, स्कूल जाता। तो अभी मतलब परिवार के सहारा भी आप ही हैं जो कमा के देते हैं? तो घर जल गया आपका, कितना नुकसान हो गया होगा आपका? मतलब हमारा 1.5-2 लाख। 2 लाख रुपए। उसमें क्या क्या रखा हुआ था? उसमें फर्नीचर का सामान उमान था, तख्ता उख्ता बनवाने के लिए एक दो बक्सा उख्सा था। जी जी। और पेटी उटी और सब घर भी जल गया। अब क्या लग रहा है कि अब कैसे ये मतलब संभव हो पाएगा? इससे पहले आपके घर द्वार में या मोहल्ले में ऐसा आग लगा था कभी? नहीं, ऐसे कभी नहीं लगा था। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। पिताजी का? स्वर्गीय रामनारायण यादव। जला है, गेहूँ जला है, भूसा जला है, कुछ फर्नीचर सा सो जला है, छिपा बाटी वगैरह लगभग 30-40 हज़ार रुपया था, कैश भी जला है, और गाय था सो जल के है, पूरा जल करके नुकसान हो गया। हम लोग तरह से बेघर हो गए। तो ये मतलब गाय की कीमत कितनी होगी या फिर और क्या क्या नुकसान? गाय की कीमत कितनी होगी? लगभग 60 से 65 हज़ार। 65 हज़ार रुपया। तो घर में मतलब और कपड़ा वपड़ा भी रखा हुआ था? जी जी, कपड़ा का सब था। अच्छा, कितना घर था आपका? 4 घर था, चारों भाई का। चारों भाई का था। नुकसान हो गया पूरा? जी। तो क्या लग रहा है कि अनुमान कितना लग रहा है कि आपका नुकसान हुआ होगा? लगभग 5 लाख के 8-8 लाख। आप लिखा दिए हैं प्रशासन? आए थे प्रशासन का कोई आदमी? आया था अभी प्रशासन? आया था, हम लिखा दिए। अच्छा, क्या चाहते हैं, आपका मांग क्या है? हम लोग को उचित जांच करके इस पर जो होता है सरकार की तरफ से सहयोग से सहयोग। आग लगने का कारण पता चला कुछ? आग लगने का कारण कुछ साजिश लग रहा है, आस्ते आस्ते पता चलेगा। एक बार और आग लगा दिया था, वो काफी संख्या में वो लोग हैं, हम लोग को दबदबा बनाए हुए रहता है। आप देखे हैं आग लगाते हुए? जी नहीं, नहीं देखे हैं ना। तो फिर आप प्रशासन के ऊपर रखेंगे ना बात? जी, जी, तो प्रशासन जांच करेगा? हाँ, प्रशासन जांच करेगा। तो ये आप कैसे मानते हैं कि आप आग लगा दिया कोई, सो बताइए। जैसा साजिश के यहाँ कोई वायर लगा हुआ था, बिजली का वायर भी लगा हुआ था अंदर में? जी नहीं। अंदर में बिजली का मतलब बल्ब वाल नहीं दिए हुए हैं? जी नहीं। किसी घर में बल्ब नहीं था? नहीं, इसमें नहीं। जो सोते हैं घर में उसमें भी नहीं है? नहीं, हम लोग अपना व्यवस्था करके रखे हुए थे। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न यादव। पिताजी का? रामदेश यादव। कि नल जल का सुविधा मिला, जो कि आग पर पूरा काबू पाया गया। कितना घंटा लगा नल जल का? और ये जो फायर ब्रिगेड वाले आए, ब्रिगेड भी आए, वो भी आए, उनका नाम नहीं लेकर के फायर ब्रिगेड भी आए, लेकिन फिलहाल जो हम लोग का सुविधा हुआ वो नल जल से, जिससे कंट्रोल किया। कितना घंटा यहाँ रुके थे? कितने घंटे? अभी तो हम लगभग जो है सो 3-3.5 घंटे से हम लोग और सारे समाज के लोग भी एकजुटता होकर के यहाँ जो है सो क्लियर आग पर काबू पाए। प्रखंड से भी सारे लोग आए और सारे आश्वासन भी दिए, जो सहयोग हो इन लोगों को दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार चौधरी, पंचायत समिति चकवा भरवारी। तो आम पब्लिक का जो है सहयोग और ये मुझे नल जल योजना की कृपा है, जो उस पर काबू किया गया। क्षति बहुत हुआ, 10-12 घर कम से क्षतिग्रस्त हुआ है, है ना। जो आए सब आए, सब आश्वासन दे के गए, सरकारी सहायता मिलेगा, हर संभव इसको सहायता मिलनी चाहिए, है ना। क्या नाम हुआ आपका? भूतपूर्व मुखिया कैलाश सिंह।
आपका कितना घर है? मेरा घर बगल में दो घर है, समझे। एक मवेशी का, एक जिसमें हम रहते थे वो घर मेरा। मवेशी कितना था आपके पास? मवेशी एक गाय, एक बच्चा। बच्चा था जी। तो बचा या नहीं बचा? जी बच गया, बच गया। उसको खोल हटा दिए। खोल दिए थे जी। आपका फिर और क्या क्या चला है उसमें? 5 क्विंटल गेहूं था। हाँ। और ये 5 क्विंटल आलू। खेती बाड़ी करते हैं? जी जी। इसी बार का गेहूं था? हाँ हाँ, इसी बार का ही है। अच्छा। जी कितना खेती करते हैं आप? और हम ये 3 बीघा का खेती करते हैं। अच्छा, उसमें पूरा कट गया था? नहीं, पूरा नहीं कटा था, जो जो जैसे आया वैसे उसमें हम रखते चले गए। अच्छा, फिर फर्नीचर में क्या क्या चला? फर्नीचर में सर मेरा अपना ये टेबल था, अथी था, अथी कोच था, ये सब चल गया। उसमें टीवी भी था? जी नहीं, टीवी नहीं, टीवी मेरे पास में नहीं था। अच्छा जी नहीं। तो कितना आपको कितना लग रहा है, कितना लाख का नुकसान हो गया होगा? लगभग सर कपड़ा वपड़ा भी था उसमें? हाँ, कपड़ा वपड़ा तो सब समाप्त हो गया। लगभग समझिए ना कि 3 लाख से बहुत क्षति मेरा हो गया। घर लगा जी, ये योगेंद्र यादव पिताजी का, स्वर्गीय सज्जन यादव। इनके पिताजी का क्या था? स्वर्गीय सज्जन यादव आपके भाई हैं? जी बड़े भाई हैं। बड़े वाले जी, बड़े भाई हैं। कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। गांव का नाम? ये धोबोपुर बंसारा वार्ड 15।